हाँ, अब आ रही आवाज ठीक? आवाज ठीक हो रही है? आ रही है, बोलिए। यहाँ पे तो यार सही दिख रहा है, यहाँ इधर से सही है, आपके तरफ से दिक्कत है। चलिए हाँ, तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन कंडक्टिंग वायर एंड करंट कंडक्टिंग स्ट्रे ट्रेन, मैग्नेटिक फोर्स है ना। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेट करवाया था, उसी तरीके से आपको करना है, उसी तरीके से आपको करना है ना। तो आपको बस क्या करना है कि आपको मानना है बीच में चार वायर है, ए दो तीन है चार है, सब पे फोर्स निकाल लो और रिजल्टेंट निकाल लो। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, 2 मिनट सोचो, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं करता हूँ। थोड़ा सा आइडिया लगाओ किस वाले आर्म पे किस तरफ फोर्स लग रहा होगा, स्टेयर के किस वाले आर्म पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सोचो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस स्क्वायर फ्रेम को मान लेना है कि ये फोर डिफरेंट करंट कंडक्टिंग आर्म से बना हुआ है, और हर एक आर्म पे फोर्स देख लेना है और उसके बाद लिख लेना है ना। इस तरह हम स्क्वायर फ्रेम पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, है ना। तो अगर इस वाले आर्म पे देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसी एक को हम मान लेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, है ना। एक किसी एक को, किसी एक को हम मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। तो चलो मान लिया, अब यहाँ पे इनफिनिट कंडक्टर है, इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। अब इस कंडक्टर ने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, इस कंडक्टर ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नेट्यूड कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, है ना। तो अब ये जो आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और करंट कंडक्ट कर रहा है, तो इस आर्म पे भी मैग्नेटिक फोर्स रहेगा और इस आर्म पे भी मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा। तो इस वायर ने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का होने वाला है ना। सही है, यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और यहाँ पे है। तो इस वाले आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, लगेगा कि नहीं, है ना। अगर B1 इसके वजह से लिखोगे यहाँ पे, तो B1 क्या होगा, B1 होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। और इस तरह से अगर B2 लिखेंगे इस वायर की वजह से, तो B2 लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे करंट I1 2 पाई, और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी प्लस एल, याद करो बेटा, है ना। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, दोनों जगह तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं चलता है। अब इस वाले आर्म पे सोचो फोर्स किधर लग रहा होगा, तो इस वाले आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट किधर है नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर, यानी कि इस वाले आर्म पे फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में F1। सही बोल रहा हूँ। और इस वाले आर्म पे अगर देखोगे तो इस वाले आर्म पे, ओके तो गलत बन गया है ना, ये ऐसे होगा ना, करंट ऐसे होता है। हाँ, तो एक मिनट फिर से देखते हैं, करंट डायरेक्शन किधर है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। मान लिया F1 लग रहा है ना,
इसी तरीके से इस वाले आर्म पे अगर देखो तो इस वाले आर्म पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में F2। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा क्योंकि इधर जाने से डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां पे क्या था इस वाले आर्म पे कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम था वायर से, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो रहा था B1 जो कि है म्यू नॉट I1 / 2 पाई d, और यहां पे था B2 और AB कांस्टेंट है ना इस पूरे रीजन में। लेकिन अगर वायर से दूर जा गया यहां वाले एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहां वाले एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा। लेकिन इतना हमें पता है कि यहां पे अगर एलिमेंट लेंगे तो यहां वाले एलिमेंट पे के पास जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वही इसकी कोरेस्पोंडिंग नीचे वाले एलिमेंट के पास मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा कि नहीं। इसके जस्ट अपोजिट में एलिमेंट लेंगे तो दोनों जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि यहां से दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, है ना? सही है। आई टू इस फ्रेम में करंट है, यानी कि अगर इस एलिमेंट पे फोर्स लेंगे तो इस एलिमेंट पे फोर्स कहां आएगा? ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं सोच के देखिए, आएगा मान लिया F3 और इधर वाले एलिमेंट में F2। लेकिन इतना हमें पता है कि जो F3 होगा और जो F4 होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो यहाँ इसके कोरेस्पोंडिंग इधर एक एलिमेंट होगा दोनों पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है और करंट दोनों में सेम ही है I2 I2, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो दोनों में सेम ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि F3 और F4 कैंसिल हो जाएंगे यानी कि नेट फोर्स जो आएगा इस पे वो आएगा F1 माइनस F2, क्या आएगा? F1 माइनस F2, है ना? अब F1 आप लिख सकते हो, F1 हो जाएगा B1 I2 और इनटू लेंथ, B2 I2 इनटू लेंथ। तो B1 क्या है जी? म्यू नॉट दिख रहा है ना, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d और इनटू I2 इनटू L। D2 हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d प्लस L। सही है ना? तो इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 इनटू L 1 बाय d माइनस 1 बाय d प्लस L। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है सर? F1 एंड F2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों बेटा कैंसिल क्यों नहीं होगा? F1 एंड F2 नहीं, F1 F2 तो कैंसिल नहीं होगा, सही बात है। F1 F2 पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड आएगा ना मतलब फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, तो दोनों आर्म पे जो मैग्नेटिक फोर्स होंगे वो डिफरेंट आएंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे डेफिनेट लिखा है F1 माइनस F2, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इस वाले आर्म पे दोनों आर्म पे इक्वल आएंगे। आप देख के समझ सकते हो, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। F3 F4 कैसे इक्वल हुआ, समझ में आया? F3 और F4 कैसे इक्वल है, समझ में आया क्या? चलिए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस उसका एक्सटेंशन है। अभी जो हमने देखा उसको थोड़ा सा आगे की तरफ समझा रहा है, हमने वही यूज किया है फॉर्मूला जिसके पहले हमने डिराइव किया था। तो चलिए नेक्स्ट,
एक फ्रेम है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से रेडियस दे रखा है आपने, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। बोल रहे कि सेंटर में एक छोटा सा अगर एलिमेंट उठाएंगे, सेंटर पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट उठाएंगे डीएल लेंस का, तो उस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा है ना, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल एलिमेंट of length dA at center of frame। बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है डी, फाइंड करंट इन कंडक्टर, फाइंड करंट आई सच दैट टेंशन इन स्प्रिंग इज जीरो है ना। दूसरा वाला है यहाँ पे एक रॉड है जो दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, जैसे बैटरी से कनेक्टेड है, डी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ रॉड का और इसका रॉड का लेंथ है एल है ना। तो पूछा जा रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा जब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जीरो होगा, तो एक सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, एक
सेमी सर्कुलर फ्रेम है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर इस सेमी सर्कुलर फ्रेम के सेंटर पे छोटा सा एलिमेंट बेल हैंड, उस पे कितना फोर्स लगेगा? समझ गए सवाल? सवाल समझ में आया? बोलिए। बेटा आसान सवाल है दोनों, चलो देखते हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएल है ना, डीएल एक करंट कैरी कर रहा है आई, कर रहा है ना, और इसी पे हमें मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स इस डीएल एलिमेंट पे लिखने के लिए मुझे यहाँ का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो देखो यही है ना, अगर ध्यान से देखो तो एक तो ये इसमें वायर फ्रेम है, एक ये जो डीएल लेंथ है उसको हमने काट कर अलग कर दिया, समझ रहे हैं? चलो ए है, है ना? हमने क्या किया, यहां से डीएल लेंथ जो है वो निकाल लिया जिस पे हमें मैग्नेटिक फोर्स लगाना है। अब ध्यान से देखो आगे जो पॉइंट है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, बी का मतलब यहां पे यही, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना इस एलिमेंट के पास, जो किसी एलिमेंट पे फोर्स निकाल रहा है। तो इस एलिमेंट पे अगर फोर्स लिखोगे, अरे बेटा वो दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ, तो इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, तो इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले आयन से तो होगा नहीं, क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है। हमने बताया इसमें बहुत डिटेल डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिस पॉइंट से कंडक्टर पास कर रहा होता है उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको पता है, हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ है ना। अब इस एलिमेंट में फोर्स लिखना है, तो फोर्स क्या होता था बेटा, याद कीजिए, बी आई एल मैग्नेटिक फील्ड, सही है? तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, और इनटू वापस आई, और लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन फोर आर इनटू आएगा ना। इस एलिमेंट में जो डीएफ छोटा सा फोर्स होगा, छोटा सा एलिमेंट तो दिख रहा है इसलिए डीएफ बोल रहे हैं। अब इसको फोर्स इधर लगा होगा, ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ क्रॉस, तो इस बारे में फोर्स इधर लगेगा नीचे की तरफ। एक्चुअली में जिसको फोर्स लग रहा है इस एलिमेंट पे वो लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, सही बोल रहा हूं ना? क्लियर है? तो इस तरह से भी हम मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं। इसमें देखिए इस वाले सवाल को देखिए, ऐसे भी में बहुत सारे सवाल हैं, तो आप ऐसे भी सॉल्व करते रहना, आसान आसान है, कुछ ज्यादा नहीं। क्वेश्चन बड़े बड़े लैंग्वेज में बहुत बड़ा बड़ा होता है,
पढ़ोगे तो देख के डर लगेगा तुम्हें, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, है ना। तो देखना ये एक्स वालों में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के क्वेश्चन है, वो सारे आसान है, बहुत आसानी से होगा, है ना। आपको पढ़ने में थोड़ा लग सकता है, सवाल देख के लग सकता है लैंग्वेज से कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, टफ सवाल है, लेकिन बेसिकली वो टफ नहीं होता है। आप ध्यान से पढ़ोगे, ये सब चीज ध्यान दिमाग में रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो कभी ट्राई करके देखना, देख के भागना नहीं। और मॉड्यूल में तो पता ही कितने सवाल है, डीपीपी दिया है, हम डीपीपी में सारे अच्छे सवाल है, आप डीपीपी सॉल्व करो। चलिए तो क्लियर है, डीपीपी बिल्कुल सॉल्व करो, सारे अच्छे सवाल है, आपने देखा होगा, आपने किया होगा, तो है ना, तो आप डीपीपी सॉल्व करो। अब यहां पे देखिए, इस वाले बोल रहा है कि आई का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो हो वो जीरो हो, इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या हो जीरो हो। तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, एफबीटी बनाना है सिर्फ, है ना, इस वायर फ्रेम का एफबीटी बनाना है। इस वायर फ्रेम पे क्या क्या लग रहा होगा, क्या क्या लग रहा होगा बोलो, तो इधर से टी लग रहा होगा, और इधर से भी टी लग रहा होगा, सही बोल रहा हूँ, इधर से भी टी लग रहा होगा और इधर से भी टी लग रहा होगा, सही है। अब यानी कि इस वायर पे, इस रॉड पे ऊपर की तरफ लग रहा है क्या 2T, एफबीटी बना रहा हूँ, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड, ये सब आता है आपको। दूसरा लग रहा होगा एमजी, तो एमजी मास क्या हो जाएगा, लैम्डा दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है एल, ये हो जाएगा लैम्डा इनटू एल इनटू जी। तीसरा एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सोच के देख, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो एक आ गया मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बी इंटू आई इंटू एच, सही है, है ना। और अगर इक्विलिब्रियम में आया तो नेट फोर्स क्या होना, जीरो, यानी कि 2t प्लस fb इज इक्वल टू लैम्डा l इनटू g, दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए ना अगर इक्विलिब्रियम में, है ना। अब t क्या दे रखा है, टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि लैम्डा इनटू l इनटू g है d into i into l, l गया, i आया, lambda by d into d आया ना, तो ये भी आसान था, सवाल सिर्फ समझना था। तो होगा क्या, जो सवाल बनेंगे उसमें मैकेनिक्स भी आएगा, मैकेनिक्स को भी क्या करेगा, सवाल डालेगा आपको मैकेनिक्स का भी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो यहाँ यही चीज है कि आपको 11th का भी आना चाहिए, 11th का बेसिक आना चाहिए, है ना। जितना मैकेनिक्स यहाँ पे यूज होगा उतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो क्लियर है, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं फिर।
अभी एस के वर्मा का एक सवाल है ना। ठीक है देख लीजिए ठीक है। रेल समझते हो ना, रेलवे का जो ट्रैक होता है, दो पैरेलल कंडक्टर है, इसको दो पैरेलल कंडक्टर है, इसको रेल्स बोलते हैं। और यह है स्मूथ, है ना, एंड नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी नहीं, रेजिस्टेंस लेस है। सही है। डिस्टेंस दे रखा है एल, ठीक है। इधर जो सरफेस है, इधर है रफ सरफेस, क्या है इधर रफ सरफेस। सवाल ध्यान से सुनिए, मैं सवाल लिखाऊंगा ना, बातें सारे सारा लिखूंगा। सही है, इधर है ग्राफ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस नेचर का, तो जो जो चीज गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूं। डी है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर, है ना। बोल रहे कि इससे करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके वायर रखा हुआ है इस एंड पे, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, है ना, और यह है एक कंडक्टिंग वायर। आई है करंट थ्रू वायर, और ये कांस्टेंट है, वैसे करंट जो है वो कांस्टेंट है, और टी इक्वल जीरो पे कंडीशन दे रखा है सारा कुछ, टी इक्वल जीरो पे सारा कुछ कंडीशन है। डायग्राम बनाइए, सब चीज लिख लीजिए, है ना। दो रेल्स हैं जो कि स्मूथ है और रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है। उसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है, दो रेल से इस तरह से पैरेलल, उसके ऊपर ऐसे एक वायर रखा हुआ है। रेल जो है वो स्मूथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्रॉस नेचर का, ठीक है। और जब स्विच क्लोज करते हैं टी इक्वल जीरो पे, तो करंट फ्लो करता है सर्किट में आई, सही है। एक लेंथ दे रखा है एल, है ना। तो पूछ रहा है कि जो वायर है वो ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, होगा क्या। तो जब आप स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इस वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स रहेगा,
मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा तब तक यहाँ क्या है कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, वेलोसिटी गेन करने के बाद बेस से नीचे फ्लोर पे आ जाएगा। अब फ्लोर फ्लोर का दे रखा है कि म्यू जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड फ्लोर, इसको रॉड बोल दे रहा हूं। तो बोल रहा है कितना डिस्टेंस ग्राउंड पे ट्रेवल करके वो रुकेगा। तो सवाल लिखो, सवाल लिख लो, मैं निकाल देता हूं। टू अ स्मूथ पैरेलल रेल्स लिखिए, टू अ स्मूथ पैरेलल रेल्स having no resistance, are as shown in figure. है ना, a conducting rod of mass m is placed at left end of rails. At t equals zero. Switch is closed at t equals zero. Calculate. Calculate first. Velocity of rod as function of time. As function of time. Second, distance moved by. Distance moved by rod on ground after it leaves the race.
मतलब जब रेल्स को छोड़ेगा उसके बाद ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और नीचे लिख लीजिएगा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड ग्राउंड, एंड ग्राउंड इज म्यू, इज म्यू एम दे रखा है मास ऑफ रॉड है ना, करंट आई दे ही रखा है, बाकी आप कर सकते हो। तो आप एक बार सवाल पढ़ो, ट्राई करो, पहला पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, उसके बाद सेकंड पार्ट ट्राई करो, ताकि मैं तो करूंगा ही, ऐसे लोगों का सवाल है चाहो तो देख लो, मुझे सवाल नंबर याद नहीं है लेकिन ऐसे लोगों का सवाल आप चाहो तो रेफरेंस में ले सकते हो, ऐसे लोगों का आपके पास है तो भी। कहानी यही है जो मैंने बोल दिया है ना, उसको और बड़ा करके लिखा कॉलम पर, कहानी यही है। मैग्नेटिक फील्ड बी है बेटा दे रखा है, ऐसे नहीं आएंगे, वैसे टफ नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टफ है, देखो मैं भी बताऊंगा, तुम्हें देखने में टफ लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना मैग्नेटिक फील्ड के सवाल जो होते हैं उसका जो लैंग्वेज होता है ना वो थोड़ा सा बहुत बड़ा होता है, और उसमें मैकेनिक्स वगैरह मिलाओगे तो लैंग्वेज बड़ा हो ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सवाल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, टाइम नहीं लेगा, तुरंत आसानी से हो जाएगा। बेसिक चीज जो तुम अभी तक जानते हो, फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी देखो, यही काम करना है, कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बाकी पूरा का पूरा मैकेनिक्स है इसके अंदर, पूरा का पूरा मैकेनिक्स है और कुछ नहीं, बस तुम्हें एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना है इस रॉड का, उसके बाद मैकेनिक्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, मैग्नेटिक का सवाल ही नहीं रह जाता है, ये सवाल टफ है नहीं, तुम्हें लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ये मैं बताऊंगा, बस इसमें मिक्स कर दिया गया है मैकेनिक्स को, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, मैग्नेटिक फोर्स लिख लोगे तो एक्सेलरेशन लिख लोगे, एक्सेलरेशन लिख लोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लोगे है ना, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया तो यहां पे वेलोसिटी पता चल जाएगा है ना, तो फिर डी एक्सेलरेशन लिखना है, डिस्टेंस लिखना, फर्स्ट पार्ट का एक्सेलरेशन लिखना, फर्स्ट पार्ट तो आसान है, कम से कम फर्स्ट पार्ट तो करो, फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ या मैं ही करूं, सबसे पहले तो एक वायर है इसी के बारे में सोचना है, ये जो कंडक्टर है यही मूव कर रहा है ना, और हमें पता है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई नीचे की तरफ, तो करंट ऐसे ही स्विच को क्लोज करोगे तो ऐसे करंट फ्लो करेगा है ना, और करंट रहेगा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये सारे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लेस है तो करंट रहेगा कांस्टेंट और करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये वायर है मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो इस वायर पर फोर्स किधर लगेगा सोचे देखो, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा करंट के डायरेक्शन में, थंब को रखा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इससे आगे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लगेगा ना, और एक बैक मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा भाई, बी आई
L नहीं, लेंथ क्या है, लेंथ दे रखा है यहाँ पे B। अरे इसी पार्ट से करंट फ्लो कर रहा होगा ना, सोच के देखो, ये बाहर निकला हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, है ना। अगर ये बाहर निकला हुआ भी है दोनों साइड में तो उधर तो करंट जाएगा ही ना, नहीं ना, करंट इसमें फ्लो करेगा तो करंट इसमें फ्लो करेगा बी वाले पार्ट में, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या आएगा, बी आई इंटू बी। अब इसे यहां से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा बी आई बी अपॉन एम, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बेटा, बी बी अपॉन डी टी, और यह है बी आई बी अपॉन एम। तो dv क्या हो जाएगा, bib upon m into dv, सही है। तो t इक्वल 0 पे रेस्ट में था, है ना, टाइम t पे वेलोसिटी मान लिया t, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, bib upon m into t, जो कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलिए ये क्या था, अरे टर्म था क्या, नहीं तो कुछ नहीं, तो आप एक भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v इक्वल्स क्या होता है u प्लस at, u क्या है जीरो, एक्सेलरेशन क्या निकाला हमने bib upon m और into time t, समझे। तो इस तरीके से लिख सकते हो आप डायरेक्ट v इक्वल्स u प्लस at कर सकते हो, मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सही। तो पहला पार्ट तो हो गया, यही आपसे पूछ रहा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा था सर, है ना। एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ए है ना। अब मेरे को क्या सोचना चाहिए, दूसरा पार्ट में चलता हूं, तो आप देखो रॉड यहां से मूव करके आया, यहां पे गिर गया, यहां पे लीक कर दिया ग्राउंड को। अब यहां पे जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा तब एक ग्राउंड क्या है रफ, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, लगेगा कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, म्यू इनटू एन, तो म्यू और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा रॉड है तो एम इनटू जी, सही है। और इस फ्रिक्शन की वजह से इस रॉड पे एक डी एक्सेलरेशन होगा, होगा ना, अरे होगा कि नहीं, डी एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन रॉड क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस एफ आई अपॉन एम, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन एम, यानी कि म्यू जी, सही है। और यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, अगर वेलोसिटी एट एंड ऑफ velocity at end of range, तो end of range के velocity अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, v हो जाएगा u v square equals u square plus 2as, formula याद कीजिए, v square initial velocity तो 0 है, 2 acceleration हमने calculate किया होगा, ए डी एक्सेलरेशन है
ये तब एक्ट करेगा जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्राउंड से पहले की है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने की बात कर रहा हूँ मैं। ये रहे तो ये रहेगा इनटू एस। एस क्या दे रखा है तो बी स्क्वायर इक्वल्स क्या आया, टू बी आई बी एल अपॉन। अरे ग्राउंड पे आप क्या है, अब ग्राउंड पे मुझे नहीं पता कितना दूर जाके रुकेगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कितना दूर जाके रुकेगा। मान लिया डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा, तो वापस इक्वेशन यूज करेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी यहां से आ गई रूट टू बी आई बी एल एम। यहाँ से आप स्टडी करोगे तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी यही कर रहेगा ना, जहाँ पे वेलोसिटी होगा। और एक्सेलरेशन अब क्या है, माइनस म्यू जी है ना। तो आप अप्लाई कर लीजिए वाला। अब आप अप्लाई कर लीजिए क्या, तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा, d स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। मोशन इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। v क्या है, पहले तो रुकना है ना, u u है 2b i b l अपॉन m अपॉन 2। A के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस में आ जाएगी म्यू जी, टू से टू गया, b आएगा b i b l अपॉन म्यू m जी। क्लियर है, तो ये आया आंसर। अब ना समझ में आया हो कोई चीज तो बोलो, मुझे नहीं लगता इसमें ना समझने वाले की बात है, इसमें कोई भी चीज ना समझने वाला नहीं। इसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ स्टार्टिंग में था, इधर यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था, उसके बाद मैग्नेटिज्म है ही नहीं, उसके बाद पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है, पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है। आपने देखा होगा, बोलो बेटा बोलो, सही बोल रहा हूँ ना। तो इसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ फोर्स लिखने तक था, मैग्नेटिक फोर्स लिखने तक, कि फोर्स जो होगा वो बी इंटू आई इंटू बी होगा, है ना। उसके बाद तो हमने काइनेमेटिक्स यूज किया है जो आपने 11th में पढ़ रखा है, और कुछ भी नहीं है। ध्यान से आप देखो तो मैंने कुछ नहीं किया, फोर्स कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन निकाला है, और सिर्फ जो जो कंडीशन बन सकते थे हमने उस कंडीशन पे सोचा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखता हूं। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। छपाई हो गया तो बेटा बोल देना, एंड कर दूंगा। चलिए बाय।